हेलो फैमिली। तो मैंने देखी इंसीडियस द रेड डोर मूवी। अब मैंने इस फ्रेंचाइज की पहले की मूवीज नहीं देखी है तो उनके बारे में या फिर किसी कनेक्शन के बारे में मैं कुछ बात नहीं कर पाऊंगा। आज मैं बात करने वाला हूं सिर्फ और सिर्फ इंसीडियस द रेड डोर के बारे में। तो फिर शुरू करते हैं। कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आप रात को डर के एकदम चिल्ला के उठ गए हो? आपने ऐसा सपना देख लिया हो जिसने आपकी ऑलमोस्ट जान निकाल दी हो। सपना टूटने के बाद आप रूम में इधर उधर देखते हो कि थैंक गॉड ये तो सिर्फ सपना था। लेकिन जरा सोचो कि कभी आपको ये पता चले कि ये कोई सपना नहीं था, ये आपकी जिंदगी का ही एक हिस्सा है, आपके अतीत का ही एक हिस्सा है, तो आपकी क्या हालत होगी? वीडियो पॉज करके फील करो इसको। जो डर आप महसूस करोगे यही डर ये मूवी आपको महसूस कराएगी। तो मूवी के अंदर कहानी है एक परिवार की जिसके कुछ सीक्रेट्स है जो आपके सामने एक एक करके रिवील होंगे। और ये कोई ऐसे वैसे सीक्रेट्स नहीं है, कमजोर दिल वालों को बड़े बड़े झटके लग सकते हैं। अब ये पूरा मैटर क्या है ये जानने के लिए आपको देखनी पड़ेगी फिल्म। फिल्म का फर्स्ट हाफ स्लो है लेकिन कहानी और कैरेक्टर्स बिल्डअप होंगे। सेकंड हाफ के बड़े बड़े धमाकों के लिए आपको तैयार किया जाएगा। बच्चे इस मूवी से बिल्कुल ही दूर रहे। अगर आपको भी अंधेरा, भूत, आत्मा, ऐसे सपने, इन सबसे फोबिया या फिर कोई डर है तो भाई आप भी दूर रहो तो अच्छा है। फिल्म के अंदर स्कैरी मोमेंट्स वैसे कम है लेकिन अगर आप मेरी तरह दिल और दिमाग से पूरा स्क्रीन में घुस के मूवीज को देखते हो और हर एक फ्रेम को फील करने की कोशिश करते हो तो वो स्कैरी मोमेंट्स आपके हार्ट बीट बढ़ा देंगे। क्योंकि ऐसे मोमेंट्स कभी भी आ जाएंगे जिसके लिए ऑब्वियसली आप तैयार नहीं होंगे। और यही मजा होता है इस जॉनरा की मूवीज का। अगर आप पॉपकॉर्न खाते खाते या फिर गर्लफ्रेंड के साथ मस्ती करते करते ये फिल्म देखोगे तो ये फिल्म आपके लिए वर्स्ट फिल्म साबित होगी। शायद आप इंटरवल तक भी इस मूवी को ना सहन कर पाओ। मूवी का स्क्रीन प्ले माइंड ब्लोइंग लगा मुझे। इंसेप्शन की याद आ गई थी। अब मैं इंसेप्शन की बात कर रहा हूँ तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आपको कितना ध्यान से देखना पड़ेगा, खास करके फिल्म का सेकंड हाफ। बैकग्राउंड स्कोर सुपर्ब है, एक्टर्स का काम भी बहुत बढ़िया है, सिनेमेटोग्राफी अच्छी है लेकिन सिनेमेटिक टोन कुछ कुछ सीन्स के अंदर हद से ज्यादा डार्क है इसीलिए थोड़ा मजा खराब भी हुआ। मे बी थिएटर का भी इश्यू हो, आई डोंट नो। तो ओवरऑल बात करें तो मूवी मुझे अच्छी लगी लेकिन ये मूवी सबके लिए नहीं है, ये मैं क्लियर बता रहा हूँ। तो इस वीडियो को देखकर आप डिसाइड कर लो कि ये मूवी आपके टाइप की है या फिर नहीं। और अगर आपने देख ली है तो कमेंट करके जरूर से बताना कि आपको कैसी लगी। मैं देता हूँ 3 out of 5 stars। ऐसे वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दिस इज जेस एंड यू आर वॉचिंग जस्ट टेक सिनेमा। सी यू सून इन नेक्स्ट वीडियो। बाय, टेक केयर, जय हिंद।